ये बताओ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना क्यों पसंद नहीं करते हैं? अरे यार एक बार बताओ, मैक पे बोलते हैं, कहते गुजें करते गुजें, उनसे बोल तो मिलता नहीं है। वो चाहते हैं मैं ही कैमरे में सामने रहूं, कोई ना रहे, अपने जैसे 10 लेके आए पढ़े लिखे और बोलने वाले, जैसी मोदी की टीम में है बोलने वाले। राहुल जी कहते हैं कि हम बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं। अगर काम ज्यादा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर तो उन्हीं की आज सरकार बनी होती, प्रधानमंत्री वही बैठे होते। इनको बॉस नहीं, ये बॉस बने हुए जबरदस्ती के, हमारे ठेकेदार बने हुए जनता के, ये जनता के ठेकेदार नहीं बनने देंगे, ये जनता के ठेकेदार नहीं बनने देंगे, ये जो है जनता के सेवक बनेंगे, सेवक और भारतीय सिटीजन सोसाइटी। ये उम्मीद करते हैं कि एक ही नेता जो 140 करोड़ का भाग्य विधाता क्यों बने? हम क्या हिजड़े हैं? हम अपने बच्चों का ख्याल खुद नहीं रख सकते? अगर शुक्र मनाओ कि भी राम राम है, अगर हर हर महादेव आ जाएगा ना तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो मेरे हाथ पे शंकर भगवान का ये बना हुआ है, देखो ये बना हुआ मेरे हाथ पे, ये मैं मंदिर जाता हूँ, सब काम करता हूँ, मैं तो कर रही हूँ, जो चीज़ बन गई वो बन गई। मंदिर भी जाते हैं मंदिर? अरे भाई साहब नहीं जाता, ये ओम क्यों बना होता मेरे? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली, मैं बरेली का रहने वाला हूँ जी, बरेली का रहने वाला हूँ मैं। ये मोदी जी की सरकार दो मरतबा केंद्र में रह चुकी, कैसा काम किए मोदी जी? बता रही हूँ, मोदी जी की सरकार जो आई है गरीबों के लिए अच्छी आई है और बड़े लोगों के लिए अच्छी आई है। ये लोग जो घंटा बजाते आ रहा नहीं है, इसको हरा हराओ, अगर ये हर गई नहीं दोबारा तो सारी कसर जो बीएफसी जो लोग जो हैं सब खींच लेंगे, राशन गायब कर देंगे, ये पब्लिक का जो गरीबों लोगों मिल लिया है ये गायब कर देंगे ये। और ये कह रहे हैं इन्होंने कोटे में ये कर दिया, ख़त्म कर दिया, ये झूठ बात है। ये आज मोदी की सरकार है जो मुसलमान को हिंदू को 10,000 रुपये का लोन मिल लिया था, चुकाना पड़ेगा मगर मिल लिया है। कभी कांग्रेस की सरकार ने दिया नहीं दिया? राशन हम लोग लेने जाते थे खुद, मैं मोमनन हूँ, जब जाता था तो मेरे कोटे का राशन भी चला जाता था, कहाँ गया भाई, ले गए वो। अब जब तक अंगूठा नहीं लगेगा जब तक किसी को नहीं मिलेगा। ये सरकार जो है बढ़िया सरकार है, मैं कह रहा हूँ ये कम से कम 15-20 साल सरकार और चले। यूँ जो आप ये देख रहे हो ये चमक जो है, कांग्रेस के ज़माने में चमक नहीं थी, ये रोड देख रहे हो आप, कुछ नहीं था, ये सब बीजेपी ने करा। ये लोग कहते हैं महंगाई कर दी, अब मैं ये तो सोचो ये रोड जो है, रोड इसमें जो जा रहा हो ये पैसा कहाँ लग रहा है? ये चमका दिया पूरे हिंदुस्तान को चमका दिया, और ये कांग्रेस जब होती ना ये कुछ नहीं चमकाती, ये सब गड्ढा था। जो मंदिर बना, मंदिर लोग कहते हैं मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, अरे मंदिर बने या मस्जिद बने हमें अपने काम से मतलब है भाई, भगवान को आना था वहाँ आ गए ना, हम मस्जिद के लिए वहाँ जाते ना, कोई हिंदू आदमी वहाँ जाएगा। एक जब बना दिया बन गया, इसका चर्चा छोड़ो, अब पब्लिक का देखो, पब्लिक को देखो, पब्लिक कैसी चाह जो क्या जा रही, पब्लिक जा रही है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी बने, और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, योगी जी हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं, पहले गुंडा लोग थे, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब तो ऐसा, पहले लड़की निकलती थी जाती आती थी तो चुपके जाती थी, अब तो खुलेआम जाती हैं, बोलो कोई जो भी कहे, एक मिनट जितना भी कार्यक्रम था सब भेज दिया, यहाँ छेड़ा जा रही है, आप तो कोई पकड़ के दिखा दे, कोई नहीं पकड़ेगा। हमारे योगी जी आए ना, योगी जी बहुत बढ़िया आए, मैं कह रही हूँ वो ही बने रहे। बड़ी बात कह रहे हैं जी, बताइए योगी, अरे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, और मोदी के लिए बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी तो कहने वाली बात जो आदमी होगा, मेरे फादर हैं, सही है, मैं इन्हें तो किसी को नहीं कह दूंगा, मेरा फादर ये है, जो काम कर रहा भाई, जो काम कर रहा उसके लिए कहेंगे हम। कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए ज्यादा काम कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, बीजेपी ने तो बहुत कम कौन किया, कर रहा है विपक्ष पार्टी बोलती है। अरे ये अगर इन्होंने काम करा होता नहीं, अगर सुनो, अगर जो इन्होंने काम करा होता यही सरकार बनी होती, नहीं आते। अब ये कह रहे हैं मशीनें बदलवाओ, अगर मशीनें बदल गई ना जब भी नहीं जी सकते हैं ये समझ लो। मोदी का 1947 से पीछा कर रहे थे मोदी, इन्होंने नहीं आने दिया, झूठों की सरकार थी ये कांग्रेस की, अब जब वो आ गए तो इनको बदनाम करना चाह रहे हैं, अब मगर आ नहीं पाएंगे, गए भी को काम से। मैं कह रही हूँ ये कोई भी बीजेपी का बैठे, मोदी बात कोई भी बैठे प्रधानमंत्री बने, बीजेपी का बने, ईमानदार पार्टी है, कोई गलत पार्टी नहीं है वो। बीजेपी पार्टी का कोई पद है आपके पास, या मतलब वैसे ही आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं काम देख कर? नहीं, काम देख के कर रही हूँ, मेरे का पद क्या है भाई, मैं पहुँच जाऊँ मुझे पद मिल जाएगा, पद सबसे बढ़िया ये है, मुझे खाना मिल लिया, मेरी 5 बेटियाँ हैं, एक की शादी हुई है, मैं इस काबिल नहीं हूँ अभी, मतलब मेरी बच्ची पेट भर के खा लें खाना, 35 किलो अनाज मिलता है उसी में हम थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं, हैं थोड़ा 35 किलो मिलता है मुझे, मेरी 5 लड़की है, एक लड़का है, 2 बीवी हैं। कांग्रेस ने कभी दे दिया नहीं दिया?
तो कहते हैं कि कांग्रेस के समय भी मिलता था ये राशन, ये गल्ला सब मिलता था। अरे कहाँ मिलता था भाई साहब, मिलता तो वोट उन्हीं को नहीं देते हम। अच्छा ये बताओ लोकसभा में क्या आपका मूड है, क्या मन है, प्रधानमंत्री फिर से मोदी बनने चाहिए या बदल दो? मतलब बदल दो यार भाई साहब, जो चीज वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको बदल दोगे? मोदी ने क्या कर दिया, पूरे देश को बदल दिया भाई साहब। सच्चाई आ गई, सच्चाई यही है। पहले हम जाते थे, कोई अधिकारी कोई हमारे लड़ाई झगड़ा हो गया, जाते थे वहाँ पर बैठ के, भाई साहब ऐसी सी बात है, वो क्या कहते थे भाई है कुछ, मगर हम तो कहते थे मोदी जी हैं भाई, योगी जी हमारे भेज दें वहाँ पर। जब बाबर जी आए थे तब थे, अगर शुक्र मनाओ कि राम राम है, अगर हर हर महादेव आ जाएगा ना तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो मेरे हाथ पे शंकर भगवान का ये बना हुआ है, देखो ये बना हुआ मेरे हाथ पे, ये मैं मंदिर जाता हूँ, सब काम करता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, जो चीज़ बन गई वो बन गई। मंदिर भी जाते हैं मंदिर? अरे भाई साहब अगर नहीं जाता ये ओम क्यों बना होता मेरे, मानता हूँ ये आपकी बार में सुनो मेरी, पहले सुनो आपकी ये है नहीं कोई क्या फंसूंगा मैं, बच जाओगे ये कह रहे क्या बच जाओगे, नहीं बचने दोगो, बचने की कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी आज के हिंदुस्तान में जब पैदा हुआ है, कोई मुसलमान नाम लेके पैदा नहीं हुआ, ना कोई हिंदू लेके नाम पैदा हुआ है, सब एक से आए हैं दुनिया में, एक से जाना है और सब जाएंगे। कोई बड़े भैया ये कहा जाता है कि मतलब धर्म की राजनीति करती है भाजपा, कई सारे मुद्दे ऐसे सामने आए, तो लगता है आपको भी कि धर्म की राजनीति तुष्टीकरण करती है? अरे भाई साहब अगर राजनीति धर्म की करती तो मुसलमान को यार एक बात बताऊं, 10,000 रुपये का ये गरीब लोगों को जो मिल लिया है ये नहीं मिलता, हाँ ये मिल लिया, हाँ मिला है ये नहीं मिलता, ये हिंदू लोगों को मिलता है सबसे ज़्यादा, उठा के देखो हम मुसलमानों को मिला है मुसलमानों को। फिर भी ओवैसी विरोध करते हैं भाजपा का? यार मैं बताऊं ओवैसी करते हैं जो कर रहे हैं, अरे उन्होंने अपनी 10 सीटें खड़ी करी वहाँ से, सही है 10 में 25% वोट काट दिया, किसको गया? बीजेपी को गया, वो खड़े होते हैं बीजेपी को फायदा होता है, तो वो तो काम ही है, होना है ये काम है। लेकिन भड़काते भी तो हैं लगातार कि मंदिर बन गया वहाँ, बाबरी सीने में महफूज है, ऐसी बातें कर। अरे आज दुनिया कह रही है कहने दो, दुनिया कह रही है कहने दो, जो चीज़ बन गई वो भगवान को मंजूर था। ये बताओ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना क्यों पसंद नहीं करते? अरे यार एक बात बताओ, मैक पे बोलते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनसे बोल तो मिलता नहीं है, वो चाहते हैं मैं ही कैमरे के सामने रहूं, कोई ना रहे, अपने जैसे 10 लेके आए पढ़े लिखे और बोलने वाले, जैसी मोदी की टीम में है बोलने वाले, ऐसी यंग लेके आए तो इन्हें 25 साल अभी लगेंगे आने में। लेकिन राहुल जी कहते हैं कि हम बोलते कम है काम ज़्यादा करते हैं। अगर काम ज्यादा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर तो उन्हीं की आज सरकार बनी होती, प्रधानमंत्री वही बैठे होते। ईवीएम से बनते हैं ना मोदी जी, तो कौन बनते हैं? मोदी जी बोर्डों से कर लो, जब भी मोदी जी बनेंगे पक्का 100% पक्का। अगर सरकार ना आए तो फिर मुझे मेरा नंबर ले लेना, मुझे बरेली से बुलवा लेना। ये मोदी जी के कट्टर फैन है, एकदम कट्टर फैन है, हम भी फैन है, लेकिन एक बात तो हम कहेंगे, 1947 से आज तक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप वाज नॉट देयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये उम्मीद करते हैं कि एक ही नेता जो 140 करोड़ का भाग्य विधाता क्यों बने? हम क्या हिजड़े हैं? हम अपने बच्चों का ख्याल खुद नहीं रख सकते? हम क्या अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है ये नहीं डिसाइड कर सकते? वो NCERT UGC वो जो वर्ल्ड बैंक से फंडेड है वो क्यों डिसाइड करेगी? वो कौन होती है हमारे भाग्य विधाता बनने वाले? हमारे को भगवान ने दो हाथ दो पैर दिए हैं, हम खुद अपने भाग्य विधाता बनेंगे, हम खुद अपने निर्णय लेंगे। हमको चाहिए रीलोकलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी पावर, एजुकेशन पॉलिसीज, जुडिशरी वाया पंचायत एंड प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हम अपने भाग्य विधाता खुद बनेंगे और हम यूनाइटेड होंगे PM लेवल तक। हम जो है बूथ लेवल पर 7 प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार देके उनको ही कॉरपोरेटर, ब्लॉक पंचायत, MLA MP चुनने का अधिकार देंगे, ताकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा इनको नौकर बना सके, इनको बॉस नहीं, ये बॉस बने हुए जबरदस्ती के, हमारे ठेकेदार बने हुए जनता के, ये जनता के ठेकेदार नहीं बनने देंगे, ये जनता के ठेकेदार नहीं बनने देंगे,
ये जो है जनता के सेवक बनेंगे, सेवक को भारतीय सिटीजन सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर विल बी द सेवक को भारतीय सिटीजन, एंड इन कनाडा आल्सो, इन यूएसए आल्सो वी विल बी द सेवक को भारतीय सिटीजन्स, और इन भारतीय सिटीजन्स के सेवक बनकर हम इस देश की जनता का भला करेंगे।